वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं आज एक बहुत ही अमेजिंग स्कूटर के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बहुत दिनों से मतलब यामा बोल रहा था कि हम लोग एक नया स्कूटर लॉन्च करेंगे, वो भी बहुत ही यूनिक स्कूटर, वो भी 155 cc इंजन में, मतलब 150 cc इंजन में, जो एक बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बड़ा बात है कि 150 cc में स्कूटर एप्पला का है, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांडों का है। तो यामा ने भी बहुत दिनों से लॉन्च करने का सोच रहा था, तो फाइनली गाइस यामा ने लॉन्च किया था अपना ब्रांड न्यू एडॉक्स 155, जो मैं आपको इस वीडियो में स्कूटर का फुल रिव्यू दूंगा। तो छोटा सा वीडियो होगा गाइस, तो वीडियो के अंदर ज़रूर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब करना, अपने चैनल को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देने के लिए गाइस। तो ठीक है, चलो वीडियो के अंदर जरूर देना गाइस, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मैं बता रहा था गाइस कि यामा ने यामा एडॉक्स 155 स्कूटर लॉन्च कर दिया, तो फुल रिव्यू दूंगा, प्राइस बताऊंगा, डिटेल्स में बताऊंगा कि एंड स्कूटर का कौन कौन सा कलर अवेलेबल है एंड कौन कौन सा कलर आपको सिर्फ लिमिटेड एडिशन में मिलता है, सब कुछ बताऊंगा गाइस। तो ठीक है, चलो वीडियो में बने रहिए। ये है कुछ स्कूटर, आप देख सकते हो बहुत ही चमचमाता हुआ, एंड ये है गाइस ग्रे एंड ऑरेंज कलर में, बहुत ही बड़ा स्कूटर बनाया है यामा ने, यामा एडॉक्स 155। एंड ये है ब्लू कलर में गाइस, देख सकते हो, एंड एलवील भी बहुत ही बढ़िया बड़ा बड़ा कर दिया है, एंड बहुत स्कूटर तो बहुत ही यूनिक लग रहा है ये रहा, एलवील बहुत ही बड़ा है, एंड सिंगल चैनल एबीएस के साथ, एंड कुछ इस तरह का लग रहा है साइड से, देख सकते हो यामा का लोगो, एंड ये रहा सिंगल चैनल एबीएस के साथ डिस्क, एंड ठीक है, एंड सीट भी बहुत ही कंफर्ट है, यूनिक सीट बनाया है स्कूटर ने यामा की तरफ से, यानी कुछ मीटर देख सकते हो, मैंने बोला बहुत ही बढ़िया मीटर, एंड यहाँ पर पैर रखने का जगह भी बहुत ही यूनिक है, एंड ये है वो ऑरेंज ग्रे कलर जो मेरा फेवरेट है गाइस, ये कलर यामा के थोड़ा यूनिक कलर दिया है, एंड यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक मिलता है, एंड ठीक है, सामने का विंडशील्ड छोटा है ठीक है, एंड साइड से कुछ ऐसा एलो व्हील आपको ऑरेंज मिलता है, एंड बॉडी ग्रे ऑरेंज का मिक्सिंग, एंड सामने की तरफ डीएल के साथ वाइट हेडलाइट एंड नॉर्मल लुकिंग ग्लास मिलता है आपको, एंड कुछ ऐसा लग रहा है, आप देख सकते हो स्कूटर बहुत ही यूनिक, बहुत ही बढ़िया, एक अलग लेवल का स्कूटर है गाइस, ये 155 cc में बहुत ही बड़ी एक्सपीरियंस देगा आपको,
मेरा कुछ गाइस दोनों कलर ही बहुत ही बढ़िया है। मेरा फेवरेट बोलो तो वो ग्रे ऑरेंज कलर मेरा फेवरेट है। ठीक है, बहुत मतलब प्राइस थोड़ा हाई रेंज है गाइस, क्योंकि इस स्कूटर का प्राइस रेंज अभी हमारे यहाँ पर ऑन रोड चल रहा है 1,52,000 एंड 1,50,000 से 1,52,000 हमारे यहाँ पर है ऑन रोड प्राइस। एंड तीनों कलर का तीनों प्राइस है। एंड स्कूटर बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर आपको ब्लू जो यमा का जो लोगो है पर मिलता है। एंड देख सकते हो बहुत ही बड़ा स्कूटर है गाइस, बहुत ही बड़ा। अगर आप सामने से नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, बहुत ही बड़ा स्कूटर है गाइस, बहुत ही बड़ा। तो भाई यमा एरोस 155 आपको 155 सीसी में सीसी इंजन के साथ लिक्विड कूल फुल स्टॉक टू बल्ब इंजन के साथ मिलता है गाइस। एंड ये स्कूटर आपको 12 PS मैक्स पावर जो 8,000 RPM में एंड 13.9 Nm टॉर्क को भी 6,500 RPM में गाइस मिलता है। एंड आपको फ्रंट में मिलता है डिस वो भी ABS के साथ। एंड पीछे मतलब रियर में आपको मिलता है ड्रम ब्रेक। तो गाइस ये स्कूटर आपको सिंगल चैनल ABS के साथ मिलता है। एंड इस स्कूटर का फ्यूल कैपेसिटी है 5.5 लीटर गाइस। इसमें आपको स्कूटर में आपको फ्रंट में मिलता है 110/80 का टायर एंड रियर में मिलता है 140/70 का टायर गाइस। दोनों ही टायर ट्यूबलेस है, वो तो ऑब्वियसली होना चाहिए कि अभी के समय हर बाइक एंड स्कूटर में ट्यूबलेस टायर ही मिलता है आप लोगों को। एंड गाइस फ्रंट व्हील का साइज है स्कूटर में 355.6 mm, रियर का भी सेम है 355.6 mm। स्कूटर का कर्व वेट है 126 kg। ये स्कूटर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिलता है। यहाँ पर आपको एक चार्जिंग का पॉइंट मिलता है जो आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो एंड मोबाइल को यहाँ पर भी रख सकते हो गाइस। एंड सीट के अंदर बहुत ही बढ़िया एंड बहुत ही बड़ा जगह मिलता है जहाँ पर एक हेलमेट एंड आपके राइडिंग जैकेट वगैरह सब कुछ घुस जाएगा गाइस। बहुत ही बड़ा एक स्पेस दिया है यमा ने इस स्कूटर में आपको। एंड आपको बताया फोन में आपको ABS के साथ सिंगल चैनल ABS के साथ फोन में डिस्क मिलता है एंड पीछे ड्रम। यहाँ पर आपको बॉडी में ही इंडिकेटर मिलता है जो बहुत ही यूनिक लग रहा है, BMW C4 एंड GT की तरह ही लग रहा है गाइस। पूरा सेम हर स्कूटर में आपको मतलब पीछे सिंगल सफर मिलता है, लेकिन इस स्कूटर में आपको ड्यूअल सफर मिलता है बाइक की तरह ही। एंड गाइस ये एक पहला स्कूटर है जिस स्कूटर में आपको बहुत ही बड़ा बड़ा एलॉय मिलता है। मतलब अगर आप यहाँ पर फोटो वीडियो में उतना समझ नहीं पाओगे, अगर सामने से एक बार ये स्कूटर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा बड़ा एलॉय दिया है यमा ने इस स्कूटर में। एंड सीटिंग पोजीशन भी थोड़ा यूनिक है। पर आपको मिलता है फ्यूल टैंक जो आपको ये मतलब फाइबर का जो बॉडी मतलब ये जो स्पेस है इसको खोल कर नीचे फ्यूल टैंक मिलता है सामने की तरह, ये भी बहुत ही बढ़िया किया है। मीटर भी फुल्ली डिजिटल है गाइस, आप लोग अभी स्क्रीन पर आ रहा है देख सकते हो मीटर फुल्ली डिजिटल है। एंड स्पेस मतलब बहुत ही बढ़िया मीटर दिया है इस स्कूटर में आपको। फ्रंट में आपको DRL के साथ LED व्हाइट हेडलाइट मिलता है, बहुत ही यूनिक। एंड इस स्कूटर में आपको तीन कलर ऑप्शन मिलता है, एक ब्लू एंड एक ब्लैक ऑरेंज के साथ एंड एक लिमिटेड एडिशन मॉन्स्टर एडिशन जो यमा का मतलब यमा के MT-15 एंड वर्सन 3 एंड वर्सन 4 R15M के साथ मिलता है। वह उसी तरह ही यमा एरोस 155 स्कूटर में भी आपको लिमिटेड मॉन्स्टर एडिशन मिलता है और उसको छोड़कर दो ही कलर है, एक ब्लू एंड एक ब्लैक, मतलब ग्रे ऑरेंज भी बोल सकते हो, ब्लैक ऑरेंज भी बोल सकते हो आप। तो गाइस यही है यमा एरोस 155 जो अभी 1,52,000 में अवेलेबल है हमारे यहाँ पर ऑन रोड। तो गाइस हाँ थोड़ा प्राइस हाई है, थोड़ा हाई है क्योंकि गाइस हमारे जैसे मिडिल सेगमेंट के लड़कों को इस प्राइस रेंज में स्कूटर मतलब नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्राइस रेंज में हम लोगों को बहुत ही अमेजिंग मतलब बहुत ही बड़े बड़े बाइक मिल सकता है, जैसे NS160 हो गया, NS200 हो गया एंड बहुत सारे बाइक्स है गाइस कि इस प्राइस रेंज में मिल जाएगा हम लोगों को। तो ठीक है, मतलब शौक तो अपने अपने जगह होता है ना गाइस, कि स्कूटर का शौक जिसको है वो इस प्राइस में क्या मतलब इससे हाई प्राइस रेंज में भी स्कूटर खरीद सकता है। तो गाइस एक और बात, ये बाइक मतलब ये स्कूटर आपको एक BMW का मतलब 2-3 दिन हुआ BMW ने भी एक बहुत ही अमेजिंग बढ़िया स्कूटर लॉन्च किया है, BMW का पहला स्कूटर जो BMW C400 GT का नाम से है। तो सेम टू सेम तो नहीं बोल सकते, थोड़ा उस तरह का लुक है ये यमा एरोस 155। तो अगर उस स्कूटर मतलब BMW स्कूटर का मैं आपको प्राइस बताऊंगा ना गाइस, तो आप लोग एक बात तो सोचोगे कि
कौन सा लोग है जो वो स्कूटर लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उस स्कूटर का अभी जो ऑन रोड प्राइस चल रहा है 12-13 लाख, मतलब बहुत ही एक एक्सपेंसिव स्कूटर है गाइस बीएमडब्ल्यू का। जो बीएमडब्ल्यू जीएस 1250 होता है ना गाइस, जो स्विस से स्टार्ट है, सेम टू सेम उसी तरह ही मीटर, उसी तरह ही सब कुछ आपको मिलता है। तो उस बात को साइड में रखते हैं, अगर बीएमडब्ल्यू C400 GT का भी एक आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस, मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यम्मा एरोस 155 स्कूटर पसंद है, वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताना एंड शेयर करना वीडियो को जितना हो सके, एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल का ऐसे इंटरेस्टिंग एंड न्यू बाइक स्कूटर के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए गाइस। तो अभी बहुत सारे लड़कों ने, मतलब आप लोगों ने, बहुत सारे लोग ने अभी हमारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो सब्सक्राइब कर दो गाइस, एक 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 बटन ही तो दबाना है, तो सब्सक्राइब कर दो गाइस, थोड़ा मोटिवेट मिलता है हम लोगों को भी। तो ठीक है, चलो मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।